आज की कहानी है माँ का प्यार। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक माँ और उसका बेटा था। बेटे का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र था। उसे पढ़ाई में बहुत मन लगता था। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। एक दिन मोहन की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मोहन बहुत चिंतित था। वह अपनी माँ के लिए बहुत दुखी था। वह रात दिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता रहता। मोहन की माँ का इलाज जारी था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि मोहन की माँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है। मोहन की माँ को पता था कि वह मरने वाली है। उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा मैं अगर मर भी गई लेकिन तुम घबराना मत। तुम पढ़ाई में ध्यान देना और एक डॉक्टर बनना ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। मोहन की माँ की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मोहन की माँ ने कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमको मजबूत बनना होगा। तुम्हें मेरे सपनों को पूरा करना होगा। मोहन की माँ की बात सुनकर मोहन का मन मजबूत हो उठा। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वह एक डॉक्टर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। मोहन की माँ की मृत्यु हो गई। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने वादे को नहीं भूला। उसने पढ़ाई में और भी मेहनत की। मोहन ने कड़ी मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। वह एक अच्छा डॉक्टर बना। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मुफ्त में सेवा करता था। एक दिन मोहन एक गरीब परिवार के बच्चे का इलाज कर रहा था। बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टर मोहन ने बच्चे का इलाज किया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर मोहन बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। अपनी माँ की बात याद करके डॉक्टर मोहन का मन मजबूत हो गया। उसने बच्चे का इलाज जारी रखा। आखिरकार डॉक्टर मोहन के इलाज से बच्चे की जान बच गई। बच्चे के माता पिता डॉक्टर मोहन के सामने धन्यवाद करने लगे। डॉक्टर मोहन ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बच्चे की जान बचा सका। मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करना चाहता था और मैं आज भी अपनी माँ के सपनों को पूरा कर पाया हूँ। सीख इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार सबसे सच्चा प्यारा होता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा भला चाहते हैं। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनके सपनों को पूरा करना चाहिए। ऐसी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल शुरू टीवी को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।